वैसा बजट नहीं है जैसा जनता को उम्मीद थी, क्या कहना सरकार? कांग्रेस के लोगों को जैसी उम्मीद थी शायद वैसा बजट नहीं होगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जो 70 लाख आबादी वाली जनता है उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने वाला ये बजट है। ये बजट किसान के हित में है, बागवान के हित में है, ये बजट युवाओं और महिलाओं के हित में है। महिला सशक्तिकरण पर इसमें विशेष जोर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको इसमें जो है वो लाभ प्रदान किया गया है, आम गरीब जनता को लाभ प्रदान किया गया है। 27 दिसंबर 2017 को जब प्रदेश सरकार ने पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक की थी तो 80 साल से 70 साल उम्र जो है घटा करके सीनियर सिटीजन्स को लाभान्वित किया था, 1500 रुपये बिना इनकम क्राइटेरिया के जो है पेंशन की थी। आज पांचवें बजट में माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने उसी ही काम को जो उस वक्त शुरू किया था पहले दिन ही उसको और आगे बढ़ाया है और वो आयु जो है वो अब 70 साल से घटा करके 60 वर्ष कर दी गई है, जो महिलाओं के लिए पहले ही 65 वर्ष कर दी गई थी। उससे जो है लगभग 4.5-5 लाख लोग जो है लाभान्वित होंगे, आम गरीब आम बुज़ुर्ग लोग जिनको कई बार इस उम्र की दहलीज में लोग जो है वो पूछते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, वो इससे लाभान्वित होंगे। 60 यूनिट तक बिजली खपत जिनके घर में होती है, जो एक बल्ब जलाते हैं दो बल्ब जलाते हैं, आम गरीब जनता है उनका जो है वो 60 यूनिट तक की बिजली फ्री कर दी गई, ज़ीरो जो है वो बिलिंग जो है वो उनकी होगी। तो ये कांग्रेस को तकलीफ पहुंचाने वाली चीज़ ही है। हर जो है जितने हमारे जो है जनप्रतिनिधि हैं, पंचायती राज संस्थाओं के लोग हैं, हमारे नगर निकायों के लोग हैं, उन सब के मानदेय बढ़ा दिए गए हैं और इसी सरकार के समय जो है वो मानदेय बढ़े हैं। और यहाँ तक कि जो विधायक प्राथमिकता में काम होते हैं नबार्ड के, जो पहले 80-85 करोड़ तक जो है वो इनकी सरकार में थे, वो बढ़कर के 135 करोड़ रुपए हो गए थे। इन्हीं के बहुत सारे विधायकों के जो आगे काम बंद हो गए थे वो माननीय मुख्यमंत्री ने बढ़ा करके 150 करोड़ जो है लिमिट कर दी है उसकी। और विधायक निधि ये सरकार जो है वो अपनी पार्टी के हित में जो है वो काम करते हुए किसी दूसरे दरवाजे से अपनी पार्टी के विधायकों को पैसा दे सकते थे, लेकिन लोकतंत्र में विश्वास करते हैं इसलिए पूरे के पूरे विधायक, चाहे वो कांग्रेस का है, सीपीआईएम का है, बीजेपी का है, सबको अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए एमएलए लैड्स में 2 करोड़ कर दिया गया है, जो कभी 1 करोड़ 10 लाख था, 90 लाख इन 5 वर्षों में बढ़ाया गया है जयराम सरकार के द्वारा। तो इसलिए समाज का प्रत्येक वर्ग जो है इससे लाभान्वित हुआ है और क्योंकि ये जनहितेशी बजट है इसलिए निश्चित रूप से जो है वो विरोधी पक्ष और कांग्रेस के नेताओं को जो है तकलीफ होना वाजिब है, क्योंकि ये बजट वो बजट है जो इतिहास रचेगा हिमाचल प्रदेश में और आने वाले विधानसभा के चुनाव में जो आज तक की परंपरा है हिमाचल की वो टूटेगी और जयराम सरकार रिपीट करेगी। सर, घाटे का बजट के साथ बोलेंगे, घाटे का बजट तो है ही और साथ जो मानदेय बढ़ाए हैं, चुनावी वर्ष है, लोगों को लुभाने की बात की जा रही है, पहले से जो प्रदेश सरकार घाटे में कर्जे लेकर जो कर रही है, तो आगे जो जो बढ़ाया गया, जो मानदेय बढ़ाया गया, तो किस तरह से देगी? घाटे का बजट पूरे तरह से आपको और प्रतिपक्ष को प्रश्न करने हैं, इसलिए अगर जो है इसमें ये ना दिया होता, मानदेय बढ़ाया होता, तो आप प्रश्न करते कि जी कुछ नहीं दिया लोगों को, तो कुछ नहीं दिया है, अब बढ़ाया है तो चुनावी वर्ष है, पिछले साल भी बढ़ाया था, उससे पिछले साल भी बढ़ाया था, 4 साल से लगातार बढ़ा रहे हैं, 4 साल से जो है वो जितनी चीज़ें हैं, इसीलिए हमने कहा है हर एक चीज़ में मानदेय जो बढ़ाए हैं वो लगभग लगभग वीरभद्र सिंह जी सरकार के मुकाबले पर जो है दुगुने कर दिए हैं अब, और जो बाकी आज नहीं किया है बिजली का जो है वो 25 जनवरी को हमारा पूर्ण राज्यत्व का दिवस का समापन समारोह था उसमें कर दिया है। तो ये इसकी जो है वो मतलब तकलीफ इस बात की है, अब उसमें जो है वो हमारे आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी हमारे साथ खड़े हैं, ये इन्होंने जो है वो अपने अधिकारियों के साथ बैठ करके जो है वो पूरा जो है वो खाका बनाया कैसे जो है पैसे हम वसूल करते हैं बिजली के ऊपर, उसमें इन्होंने जो है वो तय किया कि हम 4.5 लाख लोग जो बहुत गरीब हैं, जो
पैसा नहीं दे सकते हैं बिजली का, उनकी क्या हम बिजली मुफ्त दे सकते हैं? बिजली वाला राज्य है ये, तो उसमें जो है वो सरकार बहन करेगी उनका खर्चा, 60 यूनिट तक का जो है वो उनको मुफ्त कर दिया है सिलेंडर। और इसी प्रकार से जो गरीब घर में जिनके पास जो है वो लकड़ी के अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं होता था, आंखें और अपने जो है वो लंग्स को खराब करने के अलावा धुएं से, उनको सिलेंडर दिए पहले उज्ज्वला योजना में और हिमाचल में उसमें एडिशन की गई गृहिणी सुविधा योजना के द्वारा, और अब 3 सिलेंडर दिए जाएंगे उनको। आखिरी क्वेश्चन सर, ओपीएस के बारे में, उनका ओपीएस के बारे में कुछ नहीं किया, के बारे में करना मुलक के जो है लोग जो 216 दिन हो गए उनको और कुछ जो वेतन विसंगति थे सर उसको जी। बजट जो पेश किया है उसके ऊपर प्रश्न होता है, लेकिन आप प्रश्न कर रहे हैं फिर भी ओपीएस के ऊपर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी घोषणा कर दी थी, आज बजट के समय भी घोषणा की है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है, ये उनसे ही बातचीत उनके सुझाव पर की गई है और उसके सामने सब लोग आए सुझाव दें किस प्रकार से इसका जो है वो हम समाधान कर सकते हैं, उस पर जो है वो कमेटी तय करेगी, मंत्रिमंडल को जो है अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद जो है इसका जो है वो फैसला होगा। ये क्योंकि केवल मात्र हिमाचल का विषय नहीं है, ये बहुत सारे प्रदेशों का केंद्र का विषय है, तो सब मिलकर के जो है इस पर जो है विचार करेंगे।